बचपन में गर्मी की छुट्टियाँ हम सभी की फेवरेट हुआ करती हैं, और उन छुट्टियों में समर कैंप तो हम सब कभी ना कभी गए ही होंगे। पर क्या हो अगर यही समर कैंप आपकी जिंदगी की सबसे ज्यादा खौफनाक याद बन जाए। ये घटना जॉर्ज के साथ 2010 में हुई थी, जब वो 14 साल का था और वो अपने शहर से दूर पहाड़ों में एक समर कैंप के लिए गया था। समर कैंप की कैंप साइट उसके नाना नानी के घर के काफी पास थी, इसलिए वो कैंप शुरू होने से पहले कुछ दिन के लिए वहीं चला गया। उसके नाना ने कैंप के ऑर्गेनाइजर से बात कर ली थी कि वो जॉर्ज को बीच रास्ते से ही पिक कर लें। कैंप ऑर्गेनाइजर ने जॉर्ज के नाना को एक स्पॉट बता दिया जहां से वो लोग जॉर्ज को पिकअप करने वाले थे। जॉर्ज और उसके नाना उस लोकेशन पर पहुंच गए, लेकिन वहां कोई बस नहीं थी। उन्होंने कैंप ऑर्गेनाइजर को कॉल किया और उसका फोन आउट ऑफ नेटवर्क एरिया था। उन्होंने काफी देर इंतजार भी किया पर वहां कोई नहीं आया। इसके बाद जॉर्ज के नाना ने डिसाइड किया कि वो उसको खुद कैंप साइट तक छोड़कर आएंगे। वो लोग वहां शाम तक पहुंच गए, क्योंकि कैंप साइट मेन रोड से थोड़ा अंदर जाकर थी, तो उसके नाना उसे कैंप साइट तक ले गए। कैंप का ऑर्गेनाइजर उनके पास आया और जॉर्ज के नाना से मिला। जॉर्ज के नाना ने कैंप के ऑर्गेनाइजर को जॉर्ज को पिकअप ना करने के लिए खूब सुनाया, लेकिन वो ऑर्गेनाइजर कुछ बोला नहीं। उसके बाद जॉर्ज के नाना जॉर्ज को कैंप में छोड़कर वहां से वापस लौट गए। जॉर्ज जैसे ही कैंप साइट पहुंचा तो जॉर्ज ने देखा कि उस कैंप का माहौल बेहद अजीब था। सारे बच्चे चुपचाप एक सर्कल में बैठे हुए थे और जॉर्ज को अजीबोगरीब नजरों से देख रहे थे। जॉर्ज के नाना के जाते ही ऑर्गेनाइजर बिना कुछ बोले बस वहां से चला गया। जॉर्ज भी उसके पीछे पीछे कैंप को एक्सप्लोर करने लगा। उसने देखा कि एक टेंट पर उसका नाम लिखा था, तो जॉर्ज ने अपना सामान उस टेंट में रखा और बाहर सबके साथ आकर सर्कल में बैठ गया। उसके बैठते ही सभी बच्चे फिर से उसकी तरफ एक अजीब नजर से देखने लगे। जॉर्ज ने एक दो बच्चों से बात करने की कोशिश भी की, मगर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। सब बस उसे घूर घूर कर देखे जा रहे थे। तभी सर्कल में बैठा एक बच्चा उठा। उसने जमीन पर पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया और गुस्से से जॉर्ज की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसे देखकर आसपास बैठे बच्चे भी उठे और जॉर्ज की तरफ आने लगे। सबके चेहरों पर बेहद गुस्सा था। जॉर्ज ये देखकर बहुत डर गया। वो बार बार कैंप के ऑर्गेनाइजर को आवाज लगाने लगा। जब इतनी बार बुलाने पर भी ऑर्गेनाइजर नहीं आया, तब जॉर्ज वहां से तुरंत उठा और भागकर अपने टेंट में छुप गया। अचानक ही जॉर्ज के टेंट के बाहर बिल्कुल शांति छा गई, जैसे कि वहां कोई हो ही ना। अचानक से शाम पूरी तरह ढल गई और रात के अंधेरे ने उस कैंप साइट को चारों तरफ से घेर लिया। तभी जॉर्ज को दिखा कि कुछ ही दूरी पर एक लड़की जमीन खोद रही है। जॉर्ज हिम्मत करके उसके पास गया। जॉर्ज ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की बस पागलों की तरह जमीन खोदे जा रही थी। जॉर्ज ने उससे फिर पूछा कि वो कौन है और क्या कर रही है, तो उस लड़की ने जॉर्ज की तरफ गुस्से से देखा और कहा कि वो जॉर्ज की कब्र खोद रही है। ये सुनकर जॉर्ज घबरा उठा और जल्दी से उस लड़की से दूर भाग गया। जॉर्ज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस कैंप में आखिर हो क्या रहा है। उसने सोचा कि वो कॉल करके अपने नाना को वापस बुला लेगा और उनके साथ वापस घर चला जाएगा। फोन कॉल करने के लिए वो कैंप ऑर्गेनाइजर के टेंट में गया। उसने जैसे ही उस टेंट में झांका तो वहां कोई नहीं था, लेकिन अचानक किसी ने जॉर्ज को पीछे से धक्का दिया और वो टेंट के अंदर जाकर गिर पड़ा। जब जॉर्ज ने मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके सामने वही टेंट का ऑर्गेनाइजर था और उसके साथ कैंप के 24 बच्चे खड़े थे। उनका हुलिया बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। किसी का शरीर जला हुआ था तो किसी की हड्डियां टूटी हुई थी। उन सब ने हाथ में कोई ना कोई औजार पकड़ा हुआ था और वो ऑर्गेनाइजर हाथ में हथौड़ा लिए जॉर्ज की तरफ बढ़ रहा था। जॉर्ज जोर जोर से चिल्लाते हुए मदद मांग रहा था। उसने अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर लीं कि तभी किसी ने उसके हाथ पकड़े और उसे आवाज लगाने लगा। जॉर्ज ने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने उसके नाना बैठे थे। उसके नाना ने बिना कुछ बोले जॉर्ज का हाथ पकड़ा और उसको वहां से सीधा अपनी कार में ले गए। जॉर्ज अभी भी बहुत डरा हुआ था
और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। कैंप साइट से बाहर जाते जाते जॉर्ज और उसके नाना को ढेर सारे लोगों की चिल्लाने और रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। जॉर्ज काफी देर तक एकदम शांत बैठा रहा और उसने अपने नाना से बिल्कुल बात नहीं की। उसके नाना ने उस कैंप साइट से करीब 70-80 किलोमीटर दूर जाकर गाड़ी रोकी। जॉर्ज के नाना ने जैसे ही उससे उसका हाल पूछा तो वो जोरों से रोने लगा और उसने अपने नाना को सब बताया, वो सब जो उसके साथ उस कैंप साइट पर हुआ था। उसके नाना ने उसे शांत किया और जॉर्ज को गले लगाकर उसे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर जॉर्ज का दिल दहल गया। जॉर्ज के नाना ने उसे बताया कि जब वो वापस लौट रहे थे तो उनका फोन आउट ऑफ नेटवर्क हो गया था। जब कुछ दूर जाकर उनका फोन नेटवर्क में आया तो उनको एक फोन आया। वो फोन समर कैंप की टीम से था। उन्होंने उसके नाना से कहा कि वो बहुत देर से उनका फोन मिला रहे हैं। उन्होंने जॉर्ज के नाना को बताया कि जिस बस में सब बच्चे और कैंप ऑर्गेनाइजर था उसका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में कैंप ऑर्गेनाइजर के साथ साथ बस में मौजूद सारे बच्चे भी मारे गए। उस फोन कॉल के तुरंत बाद जॉर्ज के नाना जी फौरन ही जॉर्ज को उस कैंप से वापस लेने आ गए। जॉर्ज और उसके नाना जी काफी देर तक एक दूसरे को गले लगाए रहे। उस दिन जॉर्ज दो बार मौत के मुंह से बचा, लेकिन उसके साथ जो भी हुआ उसके बाद से कभी भी वो किसी कैंप में नहीं गया और ना ही कभी वो उस भूतिया कैंप को भुला पाया है।